हेलो गाइस, मैं प्रीतिज बडेडीज। तो गाइस, आज मैं देने वाला हूँ एस्ट्रो एक्शन मूवी का रिव्यू। ये मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये मूवी को ऑफिशियली प्रोड्यूस करा है रूसो ब्रदर ने, और इस मूवी में मेन कास्ट हैं क्रिस हेम्सवर्थ, जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर का कैरेक्टर प्ले करा है। तो ये मूवी तो देखना बनता ही था। अब ये मूवी ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक दो दिन बाद आपको ये डाउनलोड के लिए जरूर मिल जाएगी, बट इस वीडियो में थोड़ा स्पॉइलर भी होने वाला है। तो अभी तक अगर ये किसी ने मूवी नहीं देखी है तो गाइस जाके नेटफ्लिक्स पे देखो, और अगर आपने देख ली है ये मूवी तो उस वीडियो को कंटिन्यूस कर सकते हो। और जिसके पास अगर नेटफ्लिक्स नहीं है तो गाइस ये कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप फिर समझ जाओगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं रिव्यू के बारे में। तो इसकी जो स्टोरी है और इसकी जो कास्ट है और इसमें जो स्क्रीन टाइमिंग है, मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो सभी को स्टोरी पता है कि एक इंडिया और एक बांग्लादेश के दो गैंगस्टर होते हैं, जिसके एक बेटे को किडनैप कर लिया जाता है और फिर एक अमेरिकन सुपर सोल्जर आकर उस लड़के को छुड़ाता है। अब उसके संग क्या होता है, कैसे कैसी चीज़ों को उसे सामना करना पड़ता है, इस मूवी में वो चीज़ दिखाई है। और बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में, जिसमें कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ टॉप पर है, उनको पूरा स्क्रीन टाइम मिला है, पूरा एक्शन करने को मिला है। दूसरा रणदीप, जो कि सेकंड नंबर पर है मेरे हिसाब से पर्सनली, उनको भी प्रॉपर टाइम मिला है और उन्होंने बॉलीवुड का नाम रोशन कर दिया है जब से उन्होंने ये हॉलीवुड की एस्ट्रा एक्शन को साइन करा है। और रियली में आज इस मूवी को देख के लग रहा है कि रणदीप में भी वो बात है और वो और भी आगे फ्यूचर में मूवी कर सकते हैं हॉलीवुड की। उसके बाद पंकज त्रिपाठी, जिनके लिए मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, उनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम है इस मूवी में। गाइस आप खुद देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बात करें उस लड़के की, तो गाइस उसकी भी एक्टिंग लाजवाब रही। और देन इसमें अगर सीन की बात करी जाए तो थोड़ा सा, यहाँ पे किसी को बुरा ना लगे, बस बुरा मत मानना, कि मूवी में हमें दिखाया गया कि क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि टेलर, जहाँ पर वो लड़ रहा था वो जगह बांग्लादेश के अंदर ढाका दिखाई गई, पर सभी जानते हैं कि शूट इंडिया में हुआ था, अहमदाबाद सिटी में और गुजरात में, जिसे पिक्चर में दिखाया गया पूरा ढाका, कि वो ढाका में कैसे बस्ते बचाते, उस लड़की को बचाता है। और देन ये मुझे चीज़ अच्छी लगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, पर जो इंडिया की चीज़ें तो भाई वो इंडिया में तो रखो कम से कम, ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए था मूवी को, ये मुझे थोड़ा नेक पॉइंट लगा। बाकी मूवी बढ़िया थी, सारे सीन बढ़िया थे और इंडिया के जितने भी सीन थे वो सब अच्छे थे। एक सीन बहुत बढ़िया था जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि टाइलर नाले में कूद जाता है, जो कि इंडिया के नालियाँ आप जानते हो कैसी होती हैं, नाले कैसे होते हैं बदबूदार। और डेविड हार्बर की बात करी जाए, जो कि इसमें मेन कैरेक्टर था, उसका भी स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है। और इस मूवी में छोटे छोटे थोड़े से सस्पेंस थे और देन एंडिंग में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बट ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि जब ये मूवी स्टार्ट हुई और जब एंड हुई तो मुझे पता नहीं चला कि ये मूवी कब फिनिश हो गई। रियली गाइस एक्शन की बात करी जाए तो धमाकेदार, और मुझे नहीं पता सकता कि इस मूवी में इतना सारा एक्शन देखने को मिलेगा। और इंडिया में ये मूवी शूट हुई है तो ये मेरे दिल से टच हो गई और मेरी आँखें स्क्रीन मॉनिटर पर घड़ी की घड़ी रह गई, यानी कि मेरी नज़रें हटी नहीं। और पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मूवी के रिलीज़ होने से पहले रोटेन टोमेटो ने इसे 60% दिए थे, जिसमें कि सिर्फ 24 रिव्यू थे, पर अब मुझे लगता है कि इस मूवी को 99% या 100% होने चाहिए। मूवी वास्तव में गाइज अच्छी थी, मैं एक फ़ैन के तौर पे कह रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये एक्स्ट्रा एक्शन नहीं देखी तो गाइज जाके देखिए। तो गाइज आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।